Hi guys, welcome once again. Today we have with us the Vivo X21 smartphone, जो कि आज ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, 35,990 रुपीज़ का, और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा। तो ये थी इस फ़ोन की प्राइस एंड अवेलेबिलिटी डिटेल्स। बट इस फ़ोन में ऐसी क्या ख़ास बात है जो वीवो ने इसको इतना हाईली प्राइस रखा है, और क्या हैं इसके फीचर्स वगैरह, ये हम इस वीडियो में आगे देखते जाएंगे। पर उससे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके लुक एंड फील के साथ, इसकी डिज़ाइन के साथ। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये 6.3 इंच डिस्प्ले है, वीवो V9 जैसा सेम नॉच के साथ आता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो है, जो कि नॉच वाले डिस्प्ले के साथ एक थोड़ा अलग सा एस्पेक्ट रेशियो मिल रहा है आपको 19:9। अदरवाइज़ अगर ये नॉच नहीं होता तो 18:9 के रेशियो में आपको फ़ोन्स देखने को मिल रहे थे अब तक। बाकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिखता है इसका, काफ़ी ब्राइट है, व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। स्विच ऑन करते ही ऐसा लगता है कि एक ऊपर से एक लेयर है बॉडी के, जो कि एक अच्छे डिस्प्ले का निशान है। काफ़ी स्मूथ भी है इसका टच सेंसिटिविटी एंड इसका रिस्पॉन्स। और फन टच ओएस के साथ आता है, वीवो का अपना ओएस है। थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं इसमें और स्टॉक एंड्रॉयड में, जैसे कि आपको बेसिक सेटिंग्स नीचे से ऊपर स्वाइप करने पे दिखती हैं इस फ़ोन में। तो आप जैसे अगर नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल एंड बाकी शॉर्टकट ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, वाईफाई, आई प्रोटेक्शन, फ्लैश लाइट एक्सेट्रा। ऊपर से ड्रैग करने पे भी एक नोटिफिकेशन शेड आता है, बट उसमें आपको कोई भी सेटिंग्स नहीं दिखती हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कंटेंट नोटिफिकेशंस। बाकी अगर पीछे से बात करें इस फ़ोन की, तो पीछे से ये फ़ोन ऑलमोस्ट वीवो V9 के जैसा ही दिखता है। वीवो V9 अगर आपको याद दिलाएं तो मार्च में लॉन्च हुआ था इंडिया में, अराउंड 23rd और 24th मार्च के आसपास। तो इसी बॉडी मटेरियल वही है, शेप वही है, बस ये थोड़ा सा थिन है उससे, 0.5 mm थिन है ये वीवो V9 से, और अराउंड 6 grams हैवी है। बट दोनों ही फ़ोन्स ऑलमोस्ट सेम हैं इन हैंड फील के मामले में। सॉलिड फ़ोन है, मतलब अगर आपको ये सुनाई दे रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा वुडन या फिर किसी हार्ड सरफेस पर रखेंगे तो उससे आपको इसका डेप्थ समझ में आएगा, कितना सॉलिड है ये फ़ोन, कितना डेंसली बिल्ट है। पीछे से हल्के हल्के कर्व्स है साइड में, जो कि ऐसे हाथ में जब आप इसे पकड़ते तो ये आपके हाथ में गड़ते नहीं है, तो काफ़ी हैंडी फ़ोन है। साइड में पावर एंड लॉक की है, वॉल्यूम रॉकर है, कैमरास पीछे हैं दो, टॉप लेफ्ट में जैसे वीवो V9 पे थे। बस एक चेंज जो आपको मेजर चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा है इस फ़ोन में, जो कि वीवो V9 में था स्क्वायर शेप्ड, बट इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा है आपको। इसका रीज़न ये है कि इस फ़ोन में जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर है X21 में, वो ये है कि इस फ़ोन के साथ आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनीज इसको डेवलप कर रही हैं, बट अभी तक किसी ने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया था इसको कमर्शियल यूज़ के लिए। टेस्ट्स में थी पर कमर्शियल यूज़ के लिए किसी फ़ोन में अभी तक हमें देखने को नहीं मिली थी। तो ये पहला फ़ोन है इंडिया में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। गौरव इज़ आस्किंग प्राइस इन इंडिया। गौरव, 35,999 और 990 समथिंग लाइक दैट। निखिल जैन से हाय निखिल। स्टोरेज कैपेसिटी है 128 GB, रैम है इसमें 6 GB, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। हाउ इज़ द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, तो हाँ हम उसी पे जा रहे थे निखिल। तो अभी हम टेस्ट करेंगे इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, तो पहले सेटअप करते हैं, देखते हैं सेटअप करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और कितना इजी है, अभी पता चल जाएगा। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, ऐड अ फिंगरप्रिंट। तो एज यू कैन सी आई हैव टू टैप ऑन
add on fingerprint. It says register a fingerprint, press and hold your thumb or other fingers on the fingerprint scanner and lift it after you feel the vibration. Make sure your finger is placed. Okay, so we have to place our finger here on the sign and it will slowly register it. So better recognition with a slightly deeper press. So you have to press it a little firmly to register your thumb. Okay. It's not as easy as the physical fingerprint sensor that we see on the phones, like even Vivo or OnePlus or any other phone. Okay, move your finger. Please adjust the position of your finger slightly between scanning intervals. Okay, so ये normally normal fingerprint sensors में भी ये होता है. थोड़ा सा आपको अपना thumb या जो भी finger आप scan कर रहे हैं उसको थोड़ा सा move करना पड़ता है in between, ताकि वो पूरे area को register कर ले. Let's do it. Who's excited? Okay. Last time. हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हो time तो ये काफ़ी ले रहा है. But let's see if it's worth the wait. Adjust your grip. Continue to adjust the prompted to acquire the edges of your fingerprint. Okay. अभी ये ग्रिप एडजस्ट करने के लिए बोला. थोड़ा साइड्स को स्कैन करेगा बेसिकली ये मेरे थंब के. तो लेट्स सी. थोड़ा सा प्रेस करना पड़ रहा है. यूजुअली आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे ऐसे हाथ रखते हैं और वो रजिस्टर कर लेता है, बट इसमें थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ रहा है. बट इट्स ओके. हाँ, सो इट्स रजिस्टर्ड नाउ. As you can see, we have successfully registered the fingerprint. Now the next step is to test it. इससे पहले थोड़ी brightness बढ़ा लेते हैं. Yeah. Let's go back, lock the phone, and see what. Okay, so you'll see a sign over there at the bottom of the screen where you have to put your finger, which you just registered. So let's see. No response. Okay, that's fast. Let's try once again. Yes. So see, it works, but ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि हमेशा ही काम करेगा, इतनी इफेक्टिवली ही काम करेगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन अक्सर गंदी हो जाती है, थोड़ा उसमें डस्ट और डर्ट लग जाता है, तो या फिर आपकी उंगलियाँ ही कई बार गंदी होती हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है. एटलीस्ट इसमें फिजिकल सेंसर्स में आप देख सकते हो आपके सामने है चीज़, बट इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक सेकेंड का पॉज है बीच में, थोड़ा सा लेटेंसी है, बट काम करता है और काफ़ी फास्ट करता है. तो अभी आपके सामने जितनी भी बार मैंने अपनी फिंगर रखी फर्स्ट टाइम के अलावा, हर बार इसने सक्सेसफुली स्कैन किया है. तो नॉट बैड वीवो, नाइस वर्क. नेक्स्ट थिंग, ऑनर व्यू 10 और ऑनर 10 इज़ बेटर, बट वाई डोंट पीपल बाय वन प्लस 6? वेट फॉर 6. पता नहीं, कार्तिक इज आस्किंग सम क्वेश्चन बट आई नॉट गेटिंग इट. ओके, करण आस्क्स इज इट बेटर दैन द वन प्लस ऑनर. वन प्लस 6 से बेटर तो आई वोंट से कि इट इज़, बट स्टिल वी हैव टू टेस्ट इट अभी थोड़े दिन, उसके बाद पता चलेगा इफ़ इट्स बेटर और नॉट. एंड अगर आप वैसे पूछें ओवरव्यू ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो वन प्लस 6 परफॉर्मेंस के मामले में तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है. तो नो कंपैरिजन देयर. एक्सीलेंट. वन प्लस इज अनमोल से वन प्लस इज बेस्ट नाउ डेज. ओके अमोल, इफ यू थिंक सो, बट येस इट इज़ गुड. एवरी वन हैज़ ओन प्रॉब्लम्स. इफ पर्सन नॉट यूज दैट फोन इट विल बी दैट. करण ने कुछ बोला लेकिन इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड. पीपल आर लाफिंग, पीपल आर गिविंग हार्ट्स. सही है. और क्या देखना कैमरा. ओके, लेट्स चेक आउट द कैमरा. तो interface is the same as Vivo V9 which you had seen before. So let's go to the gallery and check out some samples. This is a daylight shot which I just took ye video start karne se pehle. So it's very different about this, very small camera bump. This is a good thing, but ha kuch khaas hai nahi isme, bas aajkal sare glass back aa rahe hain, Samsung se inspired hain sab. To fir bhi ye cheez sahi hai yaar.
एंड बहुत ही बड़ा 6.3 इंच का स्क्रीन है. तो बिकॉज आई हैव बिग हैंड्स आई कैन ईजिली गो फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, बट पीपल टेंड टू हैव स्मॉलर हैंड्स एंड इट्स नॉट दैट ईजी टू ऑपरेट विद वन हैंड, बट इट डजेंट डिग इन टू योर हैंड, इट्स गुड टू होल्ड, नॉट बैड. व्हाट्स द प्राइस? रामस्कंद द प्राइस इज 35,999, सेल्स ऑन फ्लिपकार्ट, यू कैन गो एंड गेट इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. एनीवन एनी क्वेश्चंस? हाँ, ब्लोटवेयर भी है इसमें बहुत सारा, तो एंड्रॉयड 8.1 के साथ आता है विच इज़ अ गुड थिंग. अपग्रेड का पता नहीं पी पे कब आएगा, देर इज़ नो वर्ड ऑन इट, बट हाँ फन टच ओएस का अपडेट ज़रूर मिलेगा आपको क्योंकि वो वीवो का है और वो ऐसा दिखता है. आई मैनेजर, वीडियोज, वेदर, एल्बम्स, कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक पहले से आता है, व्हाट्सएप पहले से आता है, ये पबजी मैंने अभी डाला है, अभी परफॉर्मेंस टेस्ट करूँगा तो पबजी खेलूँगा. डिज़ाइन सेम है लाइक V9. यस. अंकुर आस्क्स प्राइस बताइए. अंकुर प्राइस इज 35,999 एंड ये क्या बोला? ओके, सागर सेज रैम एंड स्टोरेज. ओके, आर कैपिटल था, ए एंड एम छोटा था, मुझे राम पढ़ते हुए. ओके, रैम एंड स्टोरेज इज 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज. स्नैपड्रैगन 660 इज द चिपसेट विच इज ऑल्सो देयर इन ऑन द Nokia 7 Plus which sells for 26,000. So 26,000 में Nokia 7 Plus dual camera, stock Android UI, and 36,000 में this phone with same amount of Nokia 7 Plus has 4 GB of RAM, this has 6 GB of RAM, so not the same amount of RAM, but yes the processor chipset is same, so 10,000 का difference है. Camera is better, ऑलमोस्ट द सेम इफ नॉट बेटर. लो लाइट में नोकिया 7 प्लस इज़ बेटर एंड डिज़ाइन वाइज दिस लुक्स गुड. स्क्रीन है सामने, उसमें भी है 18:9 है, बट देर इज़ नो नॉच एंड बिगर बेजल्स. सो वॉट यू कैन कंसिडर अपार्ट फ्रॉम दिस इज नोकिया 7 प्लस फॉर श्योर. करण रजाई, लेट्स टेक सम क्वेश्चन बिफोर आई प्रोसीड. ओके, प्लीज सजेस्ट मी सैमसंग A8 प्लस और X21. Too soon to tell you about this phone, but none of them. Such a heavy skin tends to slow the phone down in a few months. This is true. Over the time you use the phone, you install more apps, you install more themes, you add more data to your phone, and that tends to slow down your phone, and it happens. It just happens with all the phones. But yes, one not OnePlus. अभी तक तो नहीं. आई स्टिल हैव अ OnePlus 5T विच वर्क्स रियली फास्ट एंड इट्स इम्प्रेसिव. डज द 36K प्राइस टैग जस्टिफाई द SD660? यू कैन नॉट से दैट बिकॉज वैसे तो अगर देखें कॉम्पिटिशन देखें तो इट डज़ नॉट, क्योंकि आपको 660 फोन्स तो और भी कम प्राइस में मिल जाएंगे, बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे, बट यूज़ करने में एक्सपीरियंस कैसा है इस फ़ोन के साथ, that tells you a different perspective of the story. जैसे कि अब ये फ़ोन स्मूथ है, इसमें पबजी खेल के देखूँगा अभी मैं चल रहा है कि नहीं. पबजी चलता है, मेरा काम होता है, स्टटर नहीं करता, लैग नहीं करता, बीच में रुकता नहीं है, ऑफ नहीं होता, ऐप्स क्रैश नहीं होती, तो 660 फॉर 36 के आई एम रेडी टू पे, इट शुड वर्क फाइन, बट इफ इट डज नॉट डोंट डू दैट. वायरलेस चार्जिंग नहीं है विकी. स्वप्निल मिश्रा, Why would someone buy this instead of OnePlus 6 or Honor 10? I don't know. Maybe in-display fingerprint sensor, if people like it. क्योंकि कुछ लोगों को पसंद होता है कि कुछ नया फीचर आता है, तो जब फिंगरप्रिंट सेंसर आया था फर्स्ट टाइम आईफोन 5S में, तो लोगों ने वो जा के दिखाया था लोगों को, देख मेरा उंगली से अनलॉक हो जाता है फ़ोन. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट. पीपल मे वॉन्ट टू फ्लॉन्ट इट और एडवर्टाइज इट विद अमंग देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. सो होता है यहाँ पे. वॉट इज एपर्चर ऑफ द रियर कैमरा? इट्स 1.8 ऑफ द प्राइमरी सेंसर एंड आई थिंक 2.0 ऑफ द सेकेंडरी सेंसर. बैटरी इज 3260 mAh. पीछे से बताओ जरा, सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग? नो. पीछे से इट्स द सेम एज V9. इरफान, एक बार फिर से देख लो, कोई डिफरेंस नहीं है, बस फिंगरप्रिंट सेंसर गायब है इसमें से. सो ऑलमोस्ट द सेम. टॉप और बॉटम दिखा देता हूँ.
टॉप पे 3.5 mm जाके, ओ हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 36,000 के फ़ोन में मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता या आप भी नहीं देखना चाहोगे, वो है ये माइक्रो USB पोर्ट यार। आजकल देर वॉज अ टाइम वेन पीपल यूज टू लुक फॉर टाइप सी पोर्ट्स ढूंढना पड़ता था कि हाँ नए फ़ोन आए थे किसी के पास मिलता नहीं था। आज कल ऐसा नहीं है, थिंग्स आर चेंजिंग, तो टाइप सी पोर्ट होना ज़रूरी है थोड़ा सा। हाँ एक बार और करके देखते हैं, मज़ा आएगा। सही है, काफ़ी फास्ट है। तो माइक्रो USB पोर्ट थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। एनीवे वीवो हैज़ स्टिल डन अ बेटर जॉब दैन बिफोर, एट लीस्ट नॉट ब्रिंगिंग द मीडिया टेक शिटी मिड्रेंज चिपसेट। यस, सो अपने लिए आई टोटली अग्री। वीवो ने इस बारी ये तो अच्छा किया कि स्नैपड्रैगन 660 तो लाए इसमें, नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि यू गेट टू फाइंड द सेम प्रोसेसर ऑन द 7000 फोन विच यू गेट टू यूज ऑन द 22000 वीवो फोन। सो दिस इज़ अ गुड अपग्रेड। होपफुल हैं हम थोड़े से वीवो से कि शायद फ्यूचर में और बेटर चीज़ें आएंगी, बट हाँ ये तो बहुत सही है। लेट्स वेट अंटिल एंड अनलेस और फोन में नहीं आता, बट यही है इस फ़ोन के बारे में बेसिकली। बाकी ये वीवो V9 जैसा ही है, सब कुछ सेम है, बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम है। देर इज़ जस्ट एक पीछे एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसमें स्नैपड्रैगन 626 चिप सेट है, इसमें 660 है। 6GB रैम है इसमें, 4GB रैम है, 128GB स्टोरेज है इसमें, उसमें इतनी नहीं है। सो एनी मोर क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पूछ लो, बहुत लंबा हो गया। एक बार फिर कर देते हैं, ये बहुत फास्ट नहीं है लेकिन सही है। सो गाइस बाय बाय एंड डू फॉलो अस ऑन ऑल द चैनल्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।